अगले कॉलर अंबाला से आशा मेहता जी, स्वागत है आशा जी। मैम, नमस्कार, आप थोड़ा सा तेज आवाज में बात कर लीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है मैम, ठीक है बोलिए जी। नमस्कार डॉक्टर। जी। आदाब। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने ना आपके अभी ये टीके के ना कैप्सूल मंगवाए हैं घुटनों के लिए। तो मेरे घुटने बहुत कड़कड़ करते थे उठते बैठते ना, तो वो मैंने लिए अभी पहुंच गया मेरे पास ना। वो कैसे लेने? ठीक है, एक सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें ये कैप्सूल, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से, और शुगर नहीं है तो कभी जूस से भी ले सकते हैं, कभी दूध, कभी पानी, कभी जूस। तो सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद दो ही वक्त लें और 5 दिन सब्र करें। 5 दिन बाद कुछ रिजल्ट आता है और 1 महीने में आपको इत्मीनान आ जाता है। 1 महीने में पूरा भी फायदा हो जाए तो 2-3 महीने आप खाएं तो आपको बहुत मुद्दत के लिए फायदा होना मुमकिन है। के साथ अगले कॉलर हैं शिमला से, श्वेता हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो श्वेता हेलो। जी। हाँ हाँ जी जी मैम, मेरी एज 30 है। ठीक है, मुझे सीओडी प्रॉब्लम है। कल किसकी प्रॉब्लम है? सीओडी की। पीसीओडी? आपकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा देखिए, एक इलाज है आपका, बहुत आसान भी है। देखिए, ये किचन में आपके जो कलौंजी होती है, इसका नमक आता है जिसे रसायन भी कहते हैं। कलौंजी काली होती है लेकिन ये रसायन सफ़ेद होता है और नमक जैसा होता है, इसे इसलिए नमक कलौंजी भी कहा जाता है। नमक कलौंजी, कलौंजी का रसायन भी कहा जाता है और एस्टेक कलौंजी भी इसे कह सकते हैं। ये आप 2 चुटकी रोज़ाना, 100-200 ग्राम खरीद लें, 2 चुटकी रोज़ाना 1 गिलास पानी में मिलाकर, गर्म पानी में मिलाकर पी लिया करें एक बार। वैसे तो एक ही बार में फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह और शाम खाने के बाद लेना बेहतर है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। रेखा जी स्वागत है आपका, जी मैडम, बोलिए। मेरे पैर में डॉक्टर ने गिप बताया है, ग्रीस कम बताया है, तो उसके लिए क्या करूं मैडम जी? आपकी एज कितनी है? मेरी 53 है मैडम। ठीक है, तो देखिए, ग्रीस कभी कम नहीं होता, ये कुदरत की पैकिंग है, कोई मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर नहीं है कि ग्रीस ख़त्म हो गई या जल गई या। ये ग्रीस कभी ख़त्म नहीं होता और गैप कभी नहीं आता, ऐसा मेरा अनुभव है। आप को मेरा अनुभव देखना है तो कैप्सूल टी केयर, T4 Tiger कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लेना शुरू करें और कुछ दिन वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसे कुर्सी वाला जो टॉयलेट है उसका उपयोग करें। ये आपके साथ मेरा अनुरोध है कि आप देखिए, ये अगर लेंगे तो 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू होना चाहिए। आपको इतना संयम है तो आप शुरू करें कैप्सूल टी केयर सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से, शुगर नहीं है तो जूस से, गरीब हैं तो पानी से भी काम करता है। 1 महीने दवा लें, अगर पूरा भी फायदा हो जाए तो 2-3 महीने तक लेना ताकि आपके घुटने की पूरी रिपेयर हो सके। कॉलर झारखंड से हैं जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए, सवाल करिए। नमस्कार मैम, हम नमस्कार। बोल रहे हैं झारखंड खूंटी से। हमको ठीक है पेट का प्रॉब्लम है, पेट बड़ा है, हाथ पैर सब ठीक है, पतला पतला है लेकिन पेट बड़ा है। एज क्या है आपकी? एज मेरी 56 साल है। आपको पेट में कोई तकलीफ तो नहीं होती है? मैं तकलीफ तो नहीं है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। डायबिटीज है क्या आपको? मैं डायबिटीज तो नहीं है। कभी चेक कराई है?
हाँ डायबिटीज चेक कराए हैं कि एकदम नॉर्मल है। बहुत अच्छा, डायबिटीज नॉर्मल है। बहुत अच्छा, अगर आप मेहनत करें कुछ तो बगैर दवा के भी आपको फ़ायदा हो सकता है। रोज़ाना 1 घंटा कम से कम पैदल चला करें धूप में, 5 बार गर्म पानी पिया करें, और जो खुराक है आपकी, अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाया करिए एक वक्त में, ठीक है। इससे भी 2-3 किलो वज़न कम होता है। खूब गर्म पानी 5 बार पिया करें, और नुस्खा भी बता देता हूँ। नमक, जैतून आता है, जैतून का रसायन, ये आप ख़रीद लें 100-200 ग्राम, और 2 चुटकी गर्म पानी मिला के रोज़ाना सुबह और शाम पिया करें। और पैदल चलना भी ज़रूरी है, और ऐसी चीज़ें खाने से भी परहेज़ करना जो वज़न बढ़ाती हैं, जैसे आलू, चावल, इनसे भी परहेज़ करें तो आपका पेट कम होना मुमकिन है। कॉलर है मुंबई से राजकुमार संतोषी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार अकील सर, मेरे को थोड़ी सी लंबी बात करनी है। मैं नमस्कार करता हूँ आपको। लंबी बात करनी है नमस्कार करके? मैं अकील साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका पूरा प्रोग्राम देखता हूँ, चाहे तकलीफ हो या नहीं हो, मैं लेकिन घर में देखते हैं सब लोग। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भाई। बहुत जिस तरीके से आप बात करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है इंसान। इसके साथ आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप नुस्खे बताते हैं बहुत अच्छा लगता है इसे देख के। ऐसे बहुत सारे ज़रा नवाजी का बहुत फायदा बहुत चढ़ा है। बताइए क्या और सेवा है मेरे लिए? मेरे घुटने से नस जाती है, पूरी घुटने से एक नस में ऐसे तकलीफ जाती है नीचे तक पैर तक। दर्दों का बड़ा अच्छा इलाज यूनानी में है। देखिए कैप्सूल टी केयर या तो लें सुबह शाम, और वेस्टर्न टॉयलेट होगा आपके घर में उसका उपयोग करें। पुराने लोग वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग नहीं करते, थोड़ा बचते हैं, लेकिन नई सभ्यता के साथ हमें ढलना ज़रूरी है, तो होते हुए भी नहीं करते। और कैप्सूल टी केयर सुबह शाम नाश्ते के बाद आप लेना शुरू करें, और अगर भगवान को मेरी इज्जत प्यारी है तो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने आप लगातार दवा लें। और हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत शुक्रिया, जर्रा नवाजी के लिए बहुत धन्यवाद, सलामत रहिए। अगले कॉलर लक्ष्मी जी हैं नागलोई से, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मैंने साथ में सुनने से आपका नंबर लिया है मैम। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत है मैम? जो मेरे दांत है ना, जो मसूड़े हैं, वो ना काफी हद तक झड़ चुके हैं। मेरे अंदर के सारे दांत मतलब भाग दिख रहे हैं। अच्छा जी जी। और ना सुबह मॉर्निंग में ना मतलब ब्लड सा आता है और मवाद सा आता है मेरे मतलब मुंह में। एज क्या है आपकी मैम? 20+। ठीक है। कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की कमी होने की वजह से हमारे मसूड़े कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से दांत भी ढीले हो जाते हैं और वो गिरने लगते हैं। आप कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स का 1 कैप्सूल या टेबलेट हर 3रे दिन लिया करें, ठीक है, और दूध खूब पिया करें इस पर, तो इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। भटिंडा से अगले कॉलर प्रवीण जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। जी जी आदाब। मेरे पापा की ना हड्डियां ब्लॉक है दिल की, तो जब वो चलते हैं तो उनका सांस बहुत फूलता है और बीपी भी बढ़ता है अब तो। कितनी उम्र है पापा की? पापा की 70 के करीब है। 70। ठीक है बेटा, देखो आप पापा की लाडली हो ये तो मैं समझ गया, लेकिन आप लिख लो जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो लिख लो। अगर आपने लिख लिया तो आपके पापा ऑपरेशन से बच सकते हैं। जिसकी भी दिल की नालियाँ में चर्बी भर के बंद हो जाती हैं उसकी सर्जरी होती है, लेकिन अगर आप लिख लोगे तो वो उससे बच सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो हार्ट ब्लॉकेज के मरीज़ हैं, बीपी के मरीज़ हैं, फालिज के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है।
मैंने जिसको भी बताया उसको फ़ायदा पहुंचा। आप देखिए नींबू का रस निकालिए 1 लीटर, और अदरक का रस 1 लीटर, लहसुन का रस 1 लीटर अपने घर में निकालिए, किसी भी तरह करिए। और 1 लीटर जैतून का सिरका खरीदिए, जैतून का सिरका इनको मिला दीजिए, और 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच दोपहर, 3 चम्मच शाम खाने के पश्चात पिलाइए उन्हें। और दूध, मांस, चर्बी, मक्खन ये सब बंद करा दीजिए, और ये 5 महीने नुस्खा चलता है। 5 महीने बाद आप उनका टेस्ट करा लेना, आपका डॉक्टर कहेगा कि अब इनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा तजर्बा है। आपने लिख लिया है तो पापा के लिए तैयारी करिए और उनको राहत आना मुमकिन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ कमलेश रानी है लुधियाना से, स्वागत है आपका। हाँ जी, राम राम जी। जी बताइए। हाँ जी, मेरा ना सिर बहुत दर्द होता है। कब से तकलीफ है? हाँ जी, बहुत चीज से है, बहुत ज्यादा साइड, एक साइड पे बहुत ज्यादा खींच पड़ती है और गर्दन भी सूज जाती है और पेट पे भी अपार आता है, जलन होती है, बीपी भी बढ़ता है। एज क्या है आपकी? हाँ जी, हमारी एज 60 साल है जी। 55। हाँ जी, 60। ठीक है देवी जी, देखिए मैं एक इलाज बताता हूँ, बल्कि एक फिजियोथेरेपी कहते हैं इसे, यानी कसरत यानी एक्सरसाइज। तो ये आप रोज़ाना करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से देखिए, ऐसे बिल्कुल सीधा बैठें और ये कान इससे मिलाने की कोशिश करें, ठीक है? ये रोज़ाना आपको 3 मिनट करनी है, ठीक है? एक साथ तो नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, तो आधा आधा मिनट करके, एक एक मिनट करके 3 मिनट करनी है, ठीक है? और एक एक्सरसाइज ये ठोड़ी यहाँ से पकड़िए, पूरी मोड़ दीजिए इसे पूरी तरह, ये यहाँ तक आ जाती है। जब ये यहाँ आने लगेगी तो आप ठीक हो जाएंगे। और 3 मिनट ये, 3 मिनट वो एक्सरसाइज, वज़न वगैरह मत उठाया करिए ज़्यादा, और 10 दिन में एक अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और वैसे तो इसी से फ़ायदा हो जाना चाहिए, लेकिन अफारा वगैरह आपके है और गैस वगैरह है, तो उसके लिए सौंफ, आंवला, मेथी 200-200 ग्राम लें। सौंफ, आंवला, मेथी 200-200 ग्राम, और एक आता है नमक जैतून, इसे रसायन जैतून भी कहते हैं, जैतून का रसायन, ये 100 ग्राम लेकर इसमें मिला दीजिए जो मैंने मटेरियल बताया है। पाउडर बनाइए और आधा आधा चम्मच 2-3 टाइम भी खा सकते हैं खाने से पहले, तो आपका ये पेट का भी मसला हल होना मुमकिन है। एमपी से रमेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, अच्छा नेहा जी, ठीक है बताइए, सवाल करिए। साठ साल की है और उनको थायराइड है, बीपी है और शुगर भी है। जी देखिए, थायराइड का नुस्खा अलग बताऊंगा, आप लिख लीजिए, और बीपी शुगर का अलग बताता हूँ। बीपी और शुगर के लिए एक सिरका आता है, विनेगर आता है, जिसको जैतून का सिरका कहते हैं, जैतून का विनेगर कहते हैं, जैतून का सिरका कहते हैं। 3 चम्मच रात को सोते वक्त पानी में मिलाकर पिलाया करिए, और ये खुराक एक दिन में भी दे सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद ये एक खुराक दे सकते हैं। और थायराइड का नुस्खा इस तरह है कि धनिया 300 ग्राम, और धनिया 300 ग्राम, और आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इनको पाउडर बनाएं और सुबह रोज़ाना 1 चम्मच खिलाएं भर के, और वो गोली भी खाते रहें जो थायराइड की खाते हैं। धीरे धीरे इनकी गोली कम होते होते छूट जाएगी, लेकिन 7-8 महीने लग सकते हैं। आप ये नुस्खा अलग अलग बनाएं,
और उनको फ़ायदा पहुँचा है।